आइए आज आपको दिखाते हैं कि गुस्से पर काबू कैसे पाया जा सकता है। आप चौंतीस लोग गवाह हैं कि मैं पहले बता रहा हूँ ये पॉइजन है, मैं पहले बता रहा हूँ ये डाइल्यूटेड आइन से ये मरेंगे नहीं, लेकिन चक्कर आएंगे, गिरेंगे, आपने रुक कर लेंगे। तो ये ना कहे कि बाद में क्या हो गया। हर हर महादेव। जेंट्स बैठे ना, थोड़ा इनके ध्यान रखें, हाथ रखें इनके कंधे। आपका जय पी है आज आप। जब भी आप क्लास में इंटरेक्ट करें याद रखें कि ये पॉइजन है, ये एंगर है, ये गुस्सा है। अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो ये पॉइजन मैं पी रहा हूँ और उम्मीद करूँ कि ये मर गए। अब आपने पिया, चक्कर आपको आएंगे, किसी को और को नहीं आने वाले, ठीक है? बस इतना याद रखना है कि ये एंगर जो है, ये पूछ रहे हैं सर क्या पिया था, ये जो है तो क्या कहते हैं, मरे राम दिखा रहे, वैसी बात तो लिखा हाँ कीड़ा पड़ता है। बस इतना सा याद रखना कि गुस्सा जब आने लगे तो ये गुस्सा जहर है जो मैं पीऊंगा और जिसने गुस्सा दिलवाया है वो मर जाए। मरेगी क्या? नहीं मरेगी ना। कौन मरेगा? मैं मरूंगा ना जो मैं गुस्सा कर रहा हूँ। आप टीचर हैं, आप गुस्सा कर रहे हैं, आप फैमिली में हैं, मदर हैं, भाभी हैं, सिस्टर हैं, कुछ हैं और गुस्सा कर रहे हैं पति पे, सास पे, बच्चों पे, किसी पे, तो वो तो इग्नोर कर देंगे, थोड़े दिनों बाद सोचेंगे ऐसे ही सुषमा मैडम, वो इग्नोर कर देंगे, उनको असर भी नहीं होना। लेकिन जो गुस्सा करता है उसकी हार्ट पल्पिटेशन होती है, उसके हार्मोन चेंज होते हैं, एंड दैट चेंज इज एडिटिव। एडिटिव व्हाट आई मीन, नॉट एडिक्शन, एडिटिव। इतना जहर, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, जितना इतना हो जाएगा ना, आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। जितना आप गुस्सा करेंगे, 80% ऑफ द मेटाबॉलिक प्रॉब्लम ओरिजिनेट फ्रॉम हियर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डेंजरस थिंग इज एंगर। बस इतना याद करो, ये जहर है, मैं पी रहा हूँ, पी रही हूँ, फिर जाना है छोड़ना, क्यों पी रहा। अब इस बात पे आते हैं कि इसको तक चक्कर क्यों नहीं आए। ये डबल एक्सरसाइज थी कि ही हैड ए ट्रस्ट। अगर सामने वाले को इतना ट्रस्ट हो जाए कि सर कह रहे हैं पी ले, तो ये रूह अफजाई है, ये जॉइंट नहीं है। ही हैड द करेज, बाकी सब भी अच्छे ही हैं। मैं इसको नीला रंग का लाना चाहिए था कि होगा अगर वो हम जाए। ही हैड द ट्रस्ट, जहाँ आपको लगता है कि स्टूडेंट्स में आपने ट्रस्ट क्रिएट कर दिया, स्टूडेंट्स को ये पता चल गया कि ये मैडम या ये सर मेरे भले की सोच रहे हैं, तो यहाँ से सोच रहे हैं, उनको डिसिप्लिन करने के लिए आप स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में बात करेंगे तो समझना। मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ, पहले आप एक ट्रस्ट क्रिएट किए। मैंने आते ही एक्सरसाइज करवा देता तो शायद इतनी इफेक्टिव ना होती। पिछले 1.5 घंटे में जो मैंने बोला है, ये सोच के बोला कि आप बहुत अच्छी आत्माएं हैं और मैंने कुछ विचार, अपने एक्सपीरियंस, कुछ स्टोरीज शेयर करने, और आपके सबके मन में ट्रस्ट हो गया कि ये सब जो कहेंगे गलत नहीं करेंगे, उसको भी ट्रस्ट हो गया। आप भी पी लेते हैं ना, पी लेते हैं अब सारे हमारे ओके। अब इसको कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेवारी ये नहीं है। ओके।